देखो जरा ये बिल्ली रानी कैसे मैट के ऊपर बैठी है, ब्राउन सी। फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने इसको। देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है। क्यों भाई, क्या है तुम्हारा यहाँ? हाँ माँ, क्या कहाँ से आई तुम? कहाँ से आए मिठू मिठू, कहाँ से आ गई? बच्चे भी लाई हो क्या अपने? अनंत, एक बिल्ली कैसे बैठी है? गंदी बात। चलो, कहाँ से आए हो? चलो चलो। देखो अब बन गई है बिल्ली शेर जैसी। नो 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 नो। अच्छा तभी चिड़िया बोल रही है इतना। मैं ना सोचूं कि इतनी चिड़िया कहाँ बोल रही है। अब बैठ गई कार के नीचे। क्यों, फोटो खिंचानी अच्छी लगती है क्या? गंदी बात, चिड़िया बहुत है यहाँ पे, चिड़िया बहुत है। जाओ जाओ यहाँ पे, यहाँ नहीं बैठना। सुन रहे होंगे चिड़िया की आवाज़ भी आ गई है वो। और ये बिल्ली प्यारी सी बैठी है, मऊ मऊ कर रही। ये भी शायद सो रही है, देखो सो रही है। इसको तो मैंने पहली बार देखा है, पता नहीं कहाँ से आ गई। ये देखो कल मैं ये खूबसूरत सा स्ट्रीक बिगोनिया लेके आई। ये बस थोड़ी सी कटिंग ही है, आज मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी। और ये मेरे पास एक और तरह की है, ये वाला देखो, इसकी और इसकी फ़र्क है इसमें ना। इसमें इतने कट्स नहीं हैं ऊपर, और इसमें खूब सारे लीफ में इतने बड़े कट हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटी है और मैं लेके आई हूँ। ये देखो ये मुझे मिले हैं लोटस के सीड्स। इनको भी लगाते हैं, इनको लगाना कैसे है वो देख लो आप। बस पानी का एक गिलास लो और उसमें इनको डाल दो। जो ये नीचे चले जाते हैं मतलब वो सही हैं, जो ऊपर तैर जाते हैं वो ख़राब हैं, मतलब उनमें जर्मिनेशन नहीं होगी। और एक सनी विंडो के पास इसको रख दो और देखो कब तक इसमें से निकलते हैं लोटस की, ऐसे करते प्रोपेगेशन सनी विंडो के पास रख के। और आज मैंने रखे हैं कुछ अपने सकुलेंट्स को धूप दिखाने के लिए। पता नहीं आयोनियम ने क्यों सारी अपनी लीफ शेड कर दी, देखते हैं। तो ये गार्डन वर्क्स जो है ना, ये कभी तो ख़त्म होते ही नहीं है। इसके साथ ही दिखा रही हूँ आपको, ये देखो रूलिया मैक्सिकन पिटोनिया के वाइट वाले फ्लावर्स खिले हैं। काफ़ी सारी बर्ड्स हैं और फ्लावर खिले हैं इसके, वाइट लेस के। देखो पर्पल हार्ट जैसे इसके फ्लावर्स हैं, पर इनमें वाइट वाइट है ऐसा। पर्पल हार्ट को भी मैं उठा कर ले आई यहाँ। देखो ये इस तरह का फ्लावर है ये वाला। और इसका फ्लावर है देखो इस तरह का, काफ़ी सिमिलैरिटी है इसमें। लेकिन लीफ देखो उसकी पर्पल है
और इसके ग्रीन इस तरह की। ये तो सकुलेंट वैरायटी है, काफ़ी मोटी मोटी लीफ हैं इसकी, और इसको ज़्यादा ओवर वाटर नहीं करते, नहीं तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये बेस्ट टाइम है इसकी ग्रोथ का। और भी हैं, इधर भी फ्लावर लगे हुए हैं, और इसकी प्रोपेगेशन बहुत इजी है, बस थोड़ी थोड़ी इसकी स्टेम काट के नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही चल जाता है। ये देखो इसकी ये ग्रोथ हो रही है। इसी तरह पर्पल हार्ट भी बहुत इजी टू ग्रो है, कटिंग काटिए और बस लगा दीजिए। ये मैंने करी थी रिपॉटिंग चाइनीज़ वायलेट्स की, ये भी इजी टू ग्रो है, कटिंग से भी हो जाता है। और ये भी चल गया देखो, एल्बो सिंगोनियम, ये इसकी लीफ खुलने वाली है। और ये देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है ये मेरा, ये बेल वाला है सिंगोनियम। कुछ कुछ प्लांट को देख के मन खुश हो जाता है, इतनी खूबसूरत ग्रोथ करते हैं। और ये जो मैंने पानी में लगा रखे थे ग्रीन वाले लीफ, बहुत बढ़िया रूट्स हैं इसमें, बस इनको भी टाइमली लगा लेना चाहिए मिट्टी में। चिड़िया का संगीत तो सुन ही रहे हो आप। चलो प्यारे से फूलों के साथ विदा लेती हूँ। और एक ये देखो प्लांट, बहुत ही खूबसूरत लीफ है, वीड जैसा है, लेकिन देखो जैसे कुछ बेक करने के लिए बनाते हैं ना, उसमें इस तरह कट्स कट्स डाल के, और इसमें छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स भी हैं। क्या नाम है इसका बताइएगा मुझे, किसी को पता है तो। बाय फ्रेंड्स।